ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। दोस्तों, स्वास्थ्य हानि सावधान, मैं ये वीडियो कोई डराने के लिए आपको नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन देने वाली वीडियो है और इसको देखने के बाद शायद मुझे ऐसा पूरा यकीन है कि आपके कई सारी जो स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें, परेशानी है और बहुत सी चीज़ें हैं, उनका आप एक सकारात्मक हल की ओर हम जा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य हानि सावधान। इस दौर में हम स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हो गए हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं इस दरमियान, इस महामारी के दौरान परेशान हुए अपने स्वास्थ्य के लिए, पर इसके पीछे कुछ वजह है। देखिए, स्वास्थ्य हानि महामारी एक सब कुछ अलग विषय है, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है और हमें बीमार होने की ओर धकेल देती है। वो कौन सी बातें हैं और उन्हें हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और ये बातें हम नोट भी नहीं करते, मतलब जैसे हम इन चीज़ों को जांच भी नहीं करते और हमें पता भी नहीं लगता कि इन चीज़ों के साथ हम जी रहे हैं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को जाने अनजाने में हानि पहुंचा रही है। तो सबसे पहली और मुख्य बात है टेंशन, चिंता। चिंता बहुत सारे रोगों के पीछे का कारण है, इसलिए किसी भी विषय को लेकर चिंता न करें, एकदम कूल शांत रहें, क्योंकि जितनी सारी चीज़ें वो ईश्वर पर छोड़े, हम हमारा कर्म कर सकते हैं, एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, चाहे वो सफल हो असफल हो कोई बात नहीं, हम केवल हमारा काम कर सकते हैं। पर हम अतिरिक्त चिंता और टेंशन लेकर खुद के स्वास्थ्य का हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि ब्रेन कहीं ना कहीं हमारे पूरे दिमाग को संदेश प्रेषित करता है, और अगर हमारा ब्रेन, दिमाग ही अगर टेंशन में भरा रहेगा, चिंताओं से भरा रहेगा, तो वहाँ से बहुत नकारात्मकता आएगी और उस नकारात्मकता से हम पीड़ित और परेशान होने लगते हैं। इसलिए कभी भी टेंशन ना ले, नकारात्मक वे में न जाए, खुद को कोशिश करें पॉजिटिव रखने की। और उसका सबसे आसान तरीका, अच्छा म्यूजिक सुने, सकारात्मक पुस्तकें पढ़ें, अच्छे अच्छे वीडियो देखें, सकारात्मक वीडियो देखें, मतलब खुद को जितना अच्छा मोटिवेट कर सको, पॉजिटिव रख सको वो रखें, ताकि हम चिंताओं से मुक्त रहें। दूसरी बात है कि अब चिंता से मुक्त रहना बहुत टफ है, आपने तो कह दिया कि चिंता से मुक्त रहो, उसके पीछे एक है गुरु मंत्र का जाप। आप गुरु मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो सब कुछ चीज़ें उस पर छोड़े, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आपके जीवन में वो सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा जिसके बारे में आप शायद अभी तक नहीं सोचा होगा। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में नमः शिवाय लिखे, वीडियो को लाइक करें, और ये स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं ज्योतिष परामर्श के लिए, इस पर व्हाट्सएप पर अपॉइंट मिलकर आप हमसे बात कर सकते हैं। तीसरी बात है कि हम उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो नकारात्मक में हमें डालते हैं। और चौथी और मुख्य बात है व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम, योग, इन सभी को हमें कंटिन्यू करना चाहिए, रोज हमारे जीवन का इन्हें हिस्सा बनाना चाहिए। इससे हम हमारा खुद को संतुलित, फिट और सभी रूप से तंदुरुस्त रख सकते हैं। अगर कुछ भी वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट्स करना,